हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपके लिए 5 हाई प्रोटीन लंच सैलेड रेसिपीज लेकर आई हूँ। दीज सैलेड्स आर रिफ्रेशिंग, बहुत फिलिंग हैं ये, दे आर वेरी न्यूट्रिशियस एंड सैलेड्स आर वन ऑफ माय फेवरेट रेसिपी बिकॉज बहुत आसान होती हैं एंड यू कैन मेक देम इन नो टाइम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1 पर है हाई प्रोटीन स्प्राउट्स समर सैलेड। हॉर्स ग्राम के बदले आप मूंग दाल या काला चना ले सकते हैं। हॉर्स ग्राम के बहुत बेनिफिट्स होते हैं, वो आपकी बोन्स के लिए, वेट लॉस के लिए, यहाँ तक कि आपकी हार्ट के लिए, डायबिटीज़ के लिए, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है उसके लिए बहुत अच्छा है। तो इसे ओवरनाइट मैंने सोक किया है और उसके बाद अगले दिन सिर्फ इसे इस तरह एक कॉटन के कपड़े में डाल के ट्रांसफ़र करके आप रख दीजिए, आपके स्प्राउट्स बन जाएंगे। सीजनिंग के लिए मैंने आधा चम्मच लिया है ऑलिव ऑयल, 1 चम्मच लेमन जूस, 1 चम्मच चिया सीड्स, स्वाद के अनुसार रॉक सॉल्ट, ये ड्राइड हर्ब्स हैं और ये ब्लैक पेपर। तो ड्राइड हर्ब्स में मैंने ऑरिगेनो लिया है, मिंट लिया है, थाइम भी है, तो ये रेडीमेड कई बार मार्केट से भी आता है, आप घर पे भी बना सकते हैं। इसे सबसे पहले बनाएं ताकि आपके चिया सीड्स सोक हो जाएं और चिया सीड्स इसके प्रोटीन कॉन्टेंट को भी इंक्रीज करेंगे। तो सबसे पहले हमने थोड़े से पानी में अपने स्प्राउट्स को, कैप्सिकम को और कॉर्न को ऐड कर दिया है। नाउ कई लोग मुझसे बोलते हैं क्या ऐसे करने से स्प्राउट्स की न्यूट्रिशियस वैल्यू कम नहीं होती, तो लेट मी टेल यू, जब भी आप स्प्राउट्स खाते हैं, एक तो आप उसे जर्मिनेट होने के लिए रख रहे हैं, हो सकता है उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया हो, तो उन्हें वॉश करना तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप उन्हें यूज़ करें, लेकिन कई लोगों के लिए स्प्राउट्स का डाइजेशन उनके डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए बहुत हेवी होता है और स्पेशली अगर वो उसे अच्छी तरह च्यू नहीं करते हैं, तो इस तरह हम उन्हें थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, हमें ओवर कुक नहीं करना है, हल्का सा उसे सॉफ्ट करना है। ना सिर्फ उससे आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस अच्छा रहेगा बल्कि आपका च्यूइंग प्रोसेस अच्छा रहेगा। कई लोगों को स्प्राउट्स सिर्फ इसीलिए अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुँह में च्यू करने पड़ते हैं और उनकी क्वांटिटी का कंजप्शन भी इसीलिए बहुत कम हो जाता है। सारी चीज़ों को हमने डालकर ऐड करके मिक्स कर दिया है और हमारा झटपट सैलेड बनकर तैयार हो गया है। कुक करने के बाद थोड़ा सा उसे रूम टेम्परेचर पे आने दें, तभी उसको बोल के अंदर ऐड करें। क्यूकम्बर्स का वाटर कंटेंट बहुत हाई होता है, बाकी वेजिटेबल्स बहुत हाइड्रेटिंग होती हैं। नंबर 2 पर है क्रीमी सोया समर सैलेड। 3 टेबलस्पून लिए हैं सोया के ग्रैन्यूल्स, हमने इसे गर्म पानी में सोक किया था और अब पूरी तरह से उसका पानी रिमूव करना है, स्क्वीज आउट कर देना है। इसमें रॉक सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला हमने ऐड कर दिया है। ये कुछ हर्ब्स हैं, मिक्स्ड हर्ब्स मैंने ऐड किए हैं, ऑरिगेनो है इसके अंदर, थोड़ा सा थाइम है, थोड़ा सा हमने ड्राई मिंट पाउडर ऐड कर दिया है और साथ ही ये है मेरे पास कसूरी मेथी, 1 से 1.5 चम्मच तक आपको लेनी है और इस तरह क्रश करके ऐड कर देनी है। 3/4 कप होममेड कर्ड है ये, इसे भी थोड़ा फेंट के हम डाल देंगे। आप इसके अंदर 1 चम्मच ऑलिव ऑयल और 1 या 2 चम्मच चिया सीड्स ऐड कर सकते हैं इस टाइम पर, क्योंकि मैं ये अपने बच्चे को देने वाली थी तो मैंने ऐड नहीं किया, ही डजंट लाइक द टेस्ट ऑफ ऑलिव ऑयल, और उसे चिया सीड्स भी मैं नहीं देती हूँ बिकॉज ही इज टू स्मॉल फॉर इट। इसे हम 30 मिनट से 3 आवर्स तक फ्रिज में रखेंगे मैरिनेट करने के लिए। और ये देखिए कितना थिक हो गया है ये। यहाँ मैंने कुछ सीजनल वेजिटेबल्स ली हैं, सो मैंने ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी हैं, सारी जो वेजिटेबल्स थी मेरी, मिक्स कर लूँगी मैं इसे और अपना ये मिक्सचर मैं इसमें ऐड कर लूँगी। मैंने इसके अंदर सॉल्ट पहले से ऐड कर दिया था, अगर यहाँ पे आपको कुछ और स्पाइसेस ऐड करने हैं तो कर सकते हैं आप। आप इसके अंदर फ्रेश कोरिएंडर डाल सकते हैं, कोरिएंडर के लीव्स चॉप करके डाल सकते हैं, आप इसके अंदर करी लीव्स को चॉप करके डाल सकते हैं। सो अपने हिसाब से जो भी आपको हर्ब्स या स्पाइसेस अवेलेबल हों वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और एक अच्छे क्रंच के लिए मैंने यहाँ पर पीनट्स ऐड कर दी हैं, रोस्टेड पीनट्स थी ये, आप चाहें तो कोई और अपने पसंदीदार सीड्स इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं करना, इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो प्रोटीन के लिए इसके अंदर कर्ड है विच इज़ हाई इन प्रोटीन, सोया है इसके अंदर, पीनट्स हैं, इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। इमिडिएटली आप इसे खाइए और इन्जॉय कीजिए। ये सर्विंग है 2 से 3 लोगों के लिए, मैं इसे कई बार एज अ साइड भी खाना पसंद करती हूँ। नंबर 3 पर है रिफ्रेशिंग और बहुत ही लाइट येट फिलिंग एशगॉर्ड समर सैलेड। एशगॉर्ड कुछ ऐसा दिखता है, इसके ऊपर एक वाइट लेयर होती है, आई हैव जस्ट वॉश्ड इट, तो आप वो नहीं देख सकते। हमें इसे पील करना है पूरी तरह से और इसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो भी रिमूव कर देने हैं, तो इसका जो पल्प होता है वाइट कलर का, वो हमें सैलेड के लिए यूज़ करना है।
तो सबसे पहले मैंने एक बोल ले लिया है और उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड कर दूंगी। तो मैंने कटी हुई एशगॉर्ड, गाजर, कैप्सिकम ऐड कर दी है। इसके साथ मैंने कर्ड ऐड कर दी है। कर्ड को थोड़ा सा फेंट लीजिएगा, ये घर की बनी हुई फ्रेश कर्ड है। फ्रिज की कर्ड या फिर मार्केट की कर्ड यूज़ करना अवॉइड करें, बिकॉज उसके अंदर जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं वो कम हो जाते हैं। साथ ही नमक भी ऐड कर दिया है मैंने, भुना हुआ जीरा पाउडर, मिंट पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर। ब्लैक पेपर पाउडर मैंने इसीलिए डाला है कि कई लोगों को कफ़ा की वजह से ये सैलड सूट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ऐसे में ये हर्ब्स ना सिर्फ उस चीज़ को कट डाउन करेगा बल्कि इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू को भी इम्प्रूव करेगा। इसके बाद मैंने एक पैन लिया है, उसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर दिया है। ये वर्जिन ऑलिव ऑयल है। जब ये हीट अप हो जाएगा तब हम इसमें 1/4 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स और फिर करी लीव्स ऐड कर देंगे। ये दो स्प्रिग हैं करी लीव्स के, जिसके सारे लीव्स मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इन्हें अच्छी तरह वॉश करके यूज करिएगा। हम स्विच ऑफ कर देंगे हीट को और फिर इसे पूरी तरह ठंडा होने देंगे। तो जो कर्ड की प्रॉपर्टीज हैं और जो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, इससे उसके नुकसान हो सकते हैं। सो नेवर ऐड एनी हॉट स्टफ या फिर अपनी दही को कभी हीट अप ना कीजिए, ये बहुत अच्छी एडवाइस है। इसीलिए पूरी तरह ठंडा होने के बाद आप अपने तड़के को सैलड में ऐड कीजिए। आप इसे एज अ मेन मील खा सकते हैं, जो बहुत लाइट होगी आपके स्टमक पे, बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाएगी, या आप इसे एज अ साइड भी खा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टैंगी हाई प्रोटीन बॉइल्ड पीनट सैलेड। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1/4 कप पीनट। इसे सबसे पहले हम हल्का सा वॉश करके गर्म पानी के अंदर सोक करेंगे। आप इन्हें 3-4 घंटे तक सोक कर सकते हैं या फिर आप इन्हें ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। सोक करने के बाद ये हल्का सा पफ्ड अप हो जाते हैं, थोड़े से मोटे हो जाते हैं और अब ये इस रेसिपी के लिए तैयार हैं। सोकिंग के प्रोसेस को स्किप नहीं करना है, चाहे आप होल ग्रेन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर नट्स एंड सीड्स का। तो सोकिंग हमने यहाँ पर कर ली है, बाकी इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। हम यहाँ पर 1.5 कप मिक्स वेज को लेंगे। तो सबसे पहले एक पैन के अंदर मैंने सोक किए हुए पीनट्स को ऐड कर दिया है थोड़े पानी के साथ और इन्हें हम कुक करेंगे धीमी आंच पे। एक बार जब इसके अंदर बॉईल आ जाएगा आंच को हम कम कर देंगे और ढक के इसे हम अप्रॉक्सीमेटली 11 से 12 मिनट लगते हैं। अगर बहुत ही कम आपकी आंच है तो 15 मिनट भी लग सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं बीच में। कई लोग पीनट्स को बॉईल करने के लिए कुकर में बॉईल करते हैं तो उससे क्या होता है वो गल जाती हैं, बट वो अंदर से कई बार ठीक से नहीं कुक होती हैं। जब तक मेरी पीनट्स बॉईल हुई तब तक मैंने अपने वेजिटेबल्स को चॉप कर लिया है। कैरेट्स, कैप्सिकम, अनियन, टमाटर, कॉर्न सब रेडी हैं। पोटैटो बॉईल हो गया है जिसे मैंने पील ऑफ कर लिया है। अब एक बड़े पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसमें मस्टर्ड सीड्स, ये आधा चम्मच मस्टर्ड सीड्स ऐड कर दिए हैं। जब हमारे मस्टर्ड सीड्स कुक हो जाएंगे, वो क्रैकल होने लगेंगे, तब हम इसमें चॉप किए हुए अनियंस ऐड कर देंगे। अनियंस जो हैं हमें पूरी तरह से कुक नहीं करने हैं, जैसे हम तड़के में कुक करते हैं, हल्के से हम इन्हें सौते करेंगे। इसीलिए थोड़ी ही देर बाद हम अपनी बाकी वेजिटेबल्स ऐड करना शुरू कर देंगे। तो मैंने कैरेट और कैप्सिकम ऐड कर दिए हैं, साथ ही कॉर्न भी मैंने पैन में डाल दिए हैं। हम इन्हें हल्का सा सौते करेंगे। वी डोंट हैव टू ओवर कुक द वेजिटेबल्स, ये सारी वेजिटेबल्स आप रॉ भी कंज्यूम कर सकते हैं, पर हल्का सा सौते करने से इनकी डाइजेस्टिबिलिटी तो इंक्रीज होगी, साथ ही आप ज़्यादा क्वांटिटी में इस सैलड को कंज्यूम कर पाएंगे। अब मैंने थोड़े से ड्राई कोकोनट ऐड कर दिया है, तो मेरे पास कोकोनट था ड्राइड जिसे मैंने स्लाइस करके ऐड किया है छोटा छोटा, आप चाहें तो ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं।
बिल्कुल लास्ट में मैं चॉप पोटैटोज डाल रही हूँ और इस वक्त मैंने अपनी जो स्टोव है उसकी गैस को बंद कर दिया है। तो जो टमाटर और पोटैटो है वो हम बंद की हुई गैस में ही डाल रहे हैं, बट वी आर जस्ट यूजिंग द पैन फॉर मिक्सिंग द इंग्रेडिएंट्स। इसके बाद हम इसमें बाकी स्पाइस और सीजनिंग ऐड करेंगे। तो मैंने नमक ऐड कर दिया है, साथ ही चाट मसाला थोड़ा सा ऐड किया है, चिली पाउडर ऐड कर दिया है। एज आई सेड, अगर आपके पास कोई ड्राइड हर्ब्स हैं या कोई और मसाला है जो आप ऐड करना चाहते हैं तो आप बेफिक्र इसके अंदर वो ऐड कर सकते हैं। इमली यानी टैमरिंड की चटनी जो थी वो भी ऐड कर दी है सीजनिंग के लिए। नाउ बाकी जो दो इंग्रेडिएंट हैं वो इस सैलेड को थोड़ा सा लाइट बनाने के लिए हैं। तो मैंने पफ्ड राइस यहाँ पर ऐड किए हैं और साथ ही थोड़ा सा बेसन का सेव टू मेक इट मोर क्रंची एंड टेस्टी। पर बेसन की सेव जो है वो कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। एंड में मैंने थोड़ा सा कोरिएंडर जो फ्रेश था उसे भी चॉप करके ऐड कर दिया है। और सर्विंग के टाइम आप इस पे आधा चम्मच नींबू का रस अगर डाल लेंगे तो बहुत ही और ज़्यादा टैंगी ये सैलेड और इसके फ्लेवर्स जो हैं वो और ज़्यादा निकल कर आते हैं। पांचवें नंबर पर है मसूर दाल का एक बहुत ही हाई प्रोटीन बहुत ही हेल्दी सैलेड। तो सबसे पहले मैंने मसूर दाल की स्प्राउट्स घर पर ही तैयार किए हैं। एक चौथाई मैंने कप लिया था, आधे कप से ऊपर ये स्प्राउट्स बने थे तो मैं इसमें आधा कप स्प्राउट्स इस्तेमाल कर रही हूँ रेसिपी में। मसूर दाल जो होती है मूंग दाल के बराबर उसके अंदर प्रोटीन होता है लेकिन आयरन में ये सबसे ज़्यादा रिच होती है। सो अगर आप चाहें तो आप चेंज करके स्प्राउट्स बना सकते हैं, ना सिर्फ मसूर दाल के बल्कि आप मूंग दाल के स्प्राउट इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, चने का स्प्राउट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक पैन में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, उसके अंदर चॉप वेजिटेबल्स और स्प्राउट्स को ऐड कर दिया है। मैं अपने स्प्राउट्स को हल्का सा स्टीम कर रही हूँ। मैंने स्प्राउट्स के ऊपर हाल ही में एक डिटेल वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि अगर आप स्प्राउट्स को हल्का सा स्टीम करते हैं तो ना सिर्फ उनकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है बल्कि अगर उनके अंदर कोई एंटी न्यूट्रिएंट्स जैसे कि बैक्टीरिया या फिर कोई और ऐसे एंटी न्यूट्रिएंट्स हो तो वो भी कम हो जाते हैं। स्प्राउट्स जो होता है उन्हें हल्का सा स्टीम करने से यस उनके न्यूट्रिशन थोड़े कम होते हैं लेकिन उससे बेटर ये है कि उसके न्यूट्रिशन जितने बचे हुए हैं उसके अंदर वो सारी आपकी बॉडी ठीक से अब्जॉर्ब करेगी क्योंकि उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाएगी। हमें सिर्फ इसे 3 से 5 मिनट के लिए बहुत ही धीमी आँच पे स्टीम करना है और इतना ही पानी हमें चाहिए होता है स्टीम करने के लिए जितने मैंने यहाँ पर कुक करने के लिए यूज़ किया है। लिड को लगाकर हमें इसे पकाना है। जब तक ये पक रहे हैं और पूरी तरह ठंडे होंगे तब तक हम अपने सैलेड की ड्रेसिंग बना लेते हैं और बाकी वेजिटेबल्स को भी चॉप कर लेते हैं। तो एक बोल में मैंने नींबू का रस, ऑलिव ऑयल, ऑरिगैनो, काली मिर्च का पाउडर, जीरे का पाउडर और हिमालयन पिंक सॉल्ट ऐड कर दिया है। आप रॉक सॉल्ट या सेंधा नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम। और अब मैंने इसके अंदर कोरिएंडर को ऐड कर दिया है। ना कोरिएंडर को अपनी ड्रेसिंग के अंदर ऐड करने से सारी जो ड्रेसिंग होती है वो कोरिएंडर में स्टिक हो जाती है और सैलेड में कई बार क्या होता है जब हम ड्रेसिंग ऐड करते हैं तो वो बॉटम में चली जाती है सीधा क्योंकि वो स्टिक नहीं हो पाती। लेकिन अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करेंगे यानी कोरिएंडर को पहले पूरी तरह कोट करेंगे ड्रेसिंग में और तब उन्हें सैलेड में यूज़ करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब बारी आती है अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने की। तो एक मिक्सिंग बोल में मैंने चॉप किए हुए खीरे और टमाटर को ऐड कर लिया है। अब इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे हमारी स्टीम वेजिटेबल्स एंड स्प्राउट्स। जैसे मैंने कहा जब रूम टेम्परेचर पे आपकी ये वेजिटेबल्स एंड स्प्राउट्स आ जाएं तभी आप इन्हें सैलेड में ऐड करें। अब मैं इसमें ड्रेसिंग डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। आप चाहें तो इसे और गार्निश कर सकते हैं थोड़े फ्रेश कोरिएंडर की लीव से या फिर मिंट की लीव से। कुछ बातों का ध्यान रखें, जब आप वेजिटेबल्स और स्प्राउट्स को स्टीम करें तो
तो ये था सोचे कि आपके न्यूट्रिएंट्स कम हो रहे हैं, बल्कि एंटी न्यूट्रिएंट्स उसमें से कम होते हैं और इसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन ओवर स्टीम भी नहीं करना है, ओवर स्टीमिंग से न्यूट्रिशन यस कम होंगे और उसकी ज़रूरत भी नहीं होती है। वेजिटेबल्स एंड स्प्राउट्स को हमेशा धीमी आंच पे, जितनी आपकी लोएस्ट पॉसिबल हीट होगी उस फ्लेम पे आपको इसे करना है कुक, अदरवाइज वो बर्न हो जाएंगे बिकॉज हमने बहुत ही कम पानी उसमें ऐड किया है। आई होप यू enjoyed watching दिस वीडियो। अगर आप इन रेसिपीज को ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक आप मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर watching. स्टे healthy, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye-bye.